नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दुश्मनी मोदी सरकार से है तो क्या पाकिस्तान की दोस्ती निभानी जरूरी है? ये सवाल आज पूछा जाएगा हल्ला बोल में, क्योंकि हिंदुस्तानी सिद्धू निजी न्योते पर पाकिस्तान गए और पाकिस्तानी फौज के आका से गले मिले, लेकिन उस पर दिलचस्प सफाई भी दी। सफाई ये कि आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत भेजने वाली सेना के मुखिया उनसे शांति की बातें कर रहे थे। गुरु की दलीलें बड़ी दिलचस्प है, लिहाजा वो सवालों के घेरे में है, लेकिन सरकार भी कम सवालों के घेरे में नहीं है। तस्वीर सब कुछ कह रही है। जी हाँ, इमरान खान के शपथ ग्रहण से पहले उच्चायोग के अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की और सरकार की ओर से भेजा गया तोहफा भेंट किया। जी हाँ, सरकार ने इमरान खान को तोहफे में बैट भेजा था। अब सवाल यह कि जब पाकिस्तान से रिश्ते तल्ख हैं, सरहद पर रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, सिद्धू को गले मिलने की जरूरत क्यों आन पड़ी और सरकार ने तोहफा आखिर क्यों भेजा? सिद्धू से हिंदुस्तान ने पूछा कि पाकिस्तानी फौज के आका को गले क्यों लगाया। सिद्धू से हिंदुस्तान ने पूछा कि पीओके के स्वघोषित राष्ट्रपति के बगल में क्यों बैठे, तो फंस गए गुरु। सोच समझ कर संभल कर लिखित बयान पढ़ा और कहा, मैं राजनेता के तौर पर इस्लामाबाद नहीं गया था। ये यात्रा किसी भी प्रकार से राजनीतिक नहीं थी, अभी तो एक मित्र का स्नेह भरा निमंत्रण था। वो दोस्त जो कड़े संघर्ष से, जीवन में मेहनत से कुछ बना था और ऐसे पद पर पहुंचा था जहां वो पाकिस्तान की तस्वीर और तकदीर को बदलने का सामर्थ्य रखता। आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो एक राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, कोई क्रिकेट के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था। और दुख का विषय यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस ने बजाय देश को यह समझाने की कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कांग्रेस पार्टी को कि पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के आर्मी के चीफ जनरल बाजवा से गले लगा जाए और पाकिस्तान में जाके पीओके के तथा कथित राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मसूद खान के बगल में बैठा जाए, ये सब समझाने के वो समझाए नहीं उन्होंने। सिद्धू मजेदार और उनकी दलीलें और भी मजेदार। पाकिस्तान जाने को लेकर सफाई भी मजेदार और बीजेपी को कहना पड़ा वाह गुरु। श्री वाजपेयी जी शांति का संदेश लेकर बस के माध्यम से 19 फरवरी 1999 को लाहौर गए थे। एक आस लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी सरकारी औपचारिकता और तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के एक पारिवारिक विवाह समारोह में उन्हें शुभकामनाएं भेंट करने के लिए अचानक लाहौर पहुंच गए। राहुल जी, यू कैन नॉट रन अ पैरेलल गवर्नमेंट इन दिस कंट्री। सिद्धू जी ने जिस प्रकार से अपने बात को वाजपेयी जी की बातों से और वाजपेयी जी की डॉक्ट्रिन से जोड़कर सही सिद्ध करने की कोशिश की और अपने बात को सही सिद्ध करने के लिए जिस प्रकार लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने इस वक्तव्य में लेके आए, बड़ा आश्चर्य का विषय है। आप प्रधानमंत्री नहीं हैं सिद्धू जी, आपका यह व्यवहार अनुचित है कि आप अपने आप को प्रधानमंत्री के बराबर सोचे। सिद्धू की सफाई को हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान ने भी सुना, इमरान ने भी सुना, सुनकर खुश हुए और कहा, शाबाश गुरु। मैं सिद्धू को पाकिस्तान आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। वो शांति के दूत बनकर आए थे और पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। हिंदुस्तान में जो लोग उन्हें निशाना बना रहे हैं वो शांति का अपमान कर रहे हैं। बिना शांति के विकास मुमकिन नहीं है। आगे बढ़ने के लिए भारत और पाकिस्तान को कश्मीर समेत सारे विवाद सुलझाने होंगे। गरीबी हटाने का सबसे अच्छा जरिया है कि हम आपसी मतभेदों को बातचीत से सुलझा कर कारोबार को बढ़ावा दें। नहीं, ये क्या आपने इंडिया में कांग्रेस के अंदर एक पाकिस्तान एजेंसी खोल रखी है? हैव यू ओपन्ड अ पाकिस्तान डेस्क इन इंडिया कि आप यहां भारत में बैठ के पाकिस्तान की हक की बातें करेंगे, लगातार पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करेंगे? आपके बड़े नेता, आपके दिग्गज नेता राहुल जी यहां बयान करेंगे और एलईटी का समर्थन वहां से आएगा
कि हां वी स्टैंड विद द ओपिनियन ऑफ मिस्टर गुलाम नबी आजाद. व्हाट इज हैपनिंग मिस्टर राहुल गांधी? सवाल ये है कि भारत पाकिस्तान के प्रति भारत सरकार का नजरिया क्या है, भारत सरकार की नीति क्या है. पिछले 4 वर्ष को अगर आप संज्ञान में लें तो यू टर्न, समरसॉल्ट और 180 डिग्री टर्न के अलावा एनडीए भाजपा सरकार की पाकिस्तान के प्रति कोई नीति नहीं रही. वैसे पाकिस्तानी फौज के कप्तान को गले लगाकर सिद्धू सवालों के घेरे में हैं, तो सवाल इमरान को सरकार की ओर से भेजे गए बैट पर भी है. आज तक ब्यूरो. और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं. डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं. चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे. बेहद खास मेहमान हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड वीएन थापर साहब यहां पर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं. मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ेंगे हमारे साथ. शबनम लोन एक्टिविस्ट एंड लॉयर हमारे साथ जुड़ रही हैं. चरण सिंह सापरा साहब, पहला सवाल आज आपके पास है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू हिंदुस्तान की टीम के लिए कभी क्रिकेट खेला करते थे, इस बार गए और इमरान खान के हाथों खेलकर वो लौट आए हैं. मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आपको, आपकी पार्टी को, नवजोत सिंह सिद्धू को, किसी को एहसास नहीं था कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा? छोड़िए आप बीजेपी को, छोड़िए सरकार को, छोड़िए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मुझे यह समझाइए कि इमरान खान ने आज इन्हें शांति दूत बताते हुए हिंदुस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर खटकरे में खड़ा कर दिया है और साफ कहा है अपने ट्वीट में कि पाकिस्तान आने के लिए सिद्धू जी धन्यवाद, और आगे कहते हैं आगे बढ़ने के लिए भारत और पाकिस्तान को कश्मीर समेत सारे विवाद सुलझाने होंगे. आपने पाकिस्तान को एक मौका दिया कि वो हिंदुस्तान को नीचा दिखा सके, और वो भी नया नवेला प्रधानमंत्री वहां का. क्या है आपकी सफाई इस पर? जुमले तो खूब पढ़ते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन उससे सरहद पर सुरक्षा नहीं होती है देश की, जान की कुर्बानी देकर सुरक्षा करनी पड़ती है देश की. ये क्या मजाक है? देखिए अंजना जी, सिद्धू जी ने और कांग्रेस पार्टी ने ये सारा खुद ही क्लियर किया है कि वो एक पर्सनल विजिट पर थे, व्यक्तिगत दौरा उनका था. अब उस व्यक्तिगत दौरे में क्या क्या घटना घटी है वो विषय अलग है, तो इसको एकदम कांग्रेस पार्टी से जोड़ करके देखना ये उचित नहीं रहेगा. अगर आप इसको कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ करके देखेंगे तो हम भी ये पूछ सकते हैं कि ISI को रेड कार्पेट वेलकम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्यों दिया था? ISI और पाकिस्तानी एजेंसियों का समर्थन अमित शाह ने क्यों किया था जब पठानकोट का हल्ला हुआ था? उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का ध्रुव सक्सेना, उनका पदाधिकारी, ये ISI का एजेंट किस तरह से बन गया? मुफ्ती सईद जब सरकार बनाते हैं आदरणीय मोदी जी की हाजिरी में, वो पाकिस्तान की सराहना करते हैं और पाकिस्तान का और अलगावादियों का धन्यवाद करते हैं, और उसी के साथ में, उसी के साथ में, जब मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है और फिर दाऊद की भतीजी की शादी में जो मंत्री जाते हैं उनकी प्रमोशन होती है भारतीय जनता पार्टी में. तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये तय करना पड़ेगा कि वो इल्जाम लगाने से पहले अपने घर में झांक करके देखे. नहीं, हम नहीं उनकी इल्जाम की बात कर रहे, हम देश का सवाल आपसे पूछ रहे हैं. मुझे कोई दिलचस्पी नहीं इस बात में कि संबित पात्रा कैसे आपके ऊपर स्कोर करते हैं अपने सवाल दाग के. मुझे इस बात में ईमानदार और तरीके से सवाल पूछना है कि देश की जनता को कुछ तो जवाब दीजिएगा ना सर. आप छोड़िए ना संबित पात्रा को, छोड़िए नरेंद्र मोदी को, मुझे ये बताइए कि आज इमरान खान देश को मुंह चिढ़ा रहा है ना, जब एक ही ट्वीट में वो ये लिखते हैं कि पाकिस्तान आने के लिए धन्यवाद, उनको शांति दूत बताते हैं और फिर कहते हैं भारत और पाकिस्तान को कश्मीर समेत सारे विवाद सुलझाने होंगे. इसी कश्मीर की सुरक्षा के लिए देश की सेना, विजय थापर जी हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में है, अपनी जान की वो कुर्बानी देते हैं, उनके बच्चे, जवान बेटे को उन्होंने खोया है. और ये देखिए इमरान खान का ये ट्वीट. छोड़िए आप नव संबित पात्रा को और छोड़िए नरेंद्र मोदी को कि किसने क्या किया है. आप थापर साहब की बात का जवाब दीजिए. थापर जी, अब आपसे सवाल पूछेंगे. नहीं सर, बोलिए, आपने वही रटी रटाई आप बातें कीजिएगा. अंजना जी, थापर जी, देखिए थापर, देखिए ये कोई रंगमंच नहीं है. अब कर्नल थापर आपसे पूछेंगे सर, ये स्टेट की, स्टेट के मैटर्स हैं, देश और हमारी राजनीति के मैटर्स. पर्सनल विजिट,
पर्सनल विजिट पर्सनल तक ही रहनी चाहिए थी। अगर वो इमरान खान के साथ अपने पुराने क्रिकेटिंग सुनहरे दिन याद करना चाहते तो ही इज वेलकम। वो दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं देश की नीतियों में? आप मुझे बताइए कि सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहली प्रायोरिटी है जो टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है उसको बंद करना। उसमें तो वो कुछ बोले नहीं, वो जाके, और उनको किसने अधिकार दिया बोलने के लिए इन बातों पर? किसी ने भी नहीं। खुद तू कौन मैं खामखा, अब चले गए हैं वहां पे। इनसे बड़ी मान्यता वाले प्लेयर कपिल देव और गावस्कर नहीं गए क्योंकि उनको पता था कि इसके पीछे कोई सिनिस्टर मुद्दा है उनका। आप मुझे बताइए, कर दिया पूरा उन्होंने। आप मुझे बताइए, आप ऐसा लूज बॉल देते हैं तो क्या इमरान खान छोड़ेगा उसको? बिल्कुल छक्का मारेगा उसके ऊपर। ऐसा लूज बॉल कि इमरान खान तो मारेगा ही उस पे छक्का, और वही आज कर दिया उन्होंने ट्विटर के जरिए। डॉक्टर संबित पात्रा, आप भी बैट भेज रहे हैं। देखिए अंजना जी, एक बात हम सबको याद रखना चाहिए कि सरकार अपने डिप्लोमेट्स के माध्यम से जो कह करती है या जो कहती है वो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है, टेनेबल है। जब इंदिरा गांधी जी ने भी भेजा था सौगात, प्राइम मिनिस्टर नए आए थे पाकिस्तान में, या उसके पश्चात जिन जिन प्राइम मिनिस्टर्स ने इंडिया के भेजे थे वे सब कॉन्स्टिट्यूशनली टेनेबल प्रोविजन्स थे। मगर एक पैरेलल सरकार देश में नहीं चल सकती है। सिद्धू जी एक राजनेता है, एक मंत्री है, वो अभी पंजाब जैसे विशाल राज्य के। सर आपकी विदेश नीति पर सवाल खड़े करेंगे। बिल्कुल विदेश और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप डिप्लोमेटिक डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन ये सवाल तो हम पूछेंगे सर कि आप भी बार-बार सेना की दुहाई देते हैं सर, आप भी बार-बार सर्जिकल स्ट्राइक्स की दुहाई देते हैं, जब ये कुछ अच्छा काम करते हैं तो आप आगे आकर उसकी बड़ाई लेते हैं अपनी पीठ पर। मेरा सवाल सिर्फ इतना है सर कि बता तो दीजिए देश को कि क्या कर रहे हैं। आपकी लिखी हुई चिट्ठी के बारे में हमें वहां के रक्षा मंत्री से पता चले, ये तो अफसोसनाक है ना, देश को तो बताइएगा। अंजना जी, दुख का विषय है कि ये बहाना लेकर कि मैं बताता हूं, चलिए सबसे खराब सरकार है, आप लोग जो कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की सरकार निकम्मी है, सबसे खराब है, इसका अर्थ तो ये नहीं था कि इमरान खान के गोद में बैठ जाए कांग्रेस पार्टी। आप जो है आप आलोचना हिंदुस्तान के अंदर करिए, जाके इमरान खान के गोद में बैठ के वहां पर गुल्ली आप क्रिकेट खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए मैं एक बड़ी बात कहने वाला हूं, हिंदुस्तान का आर्मी का चीफ सड़क का गुंडा और पाकिस्तान का आर्मी का चीफ सोने दा मुंडा। जब सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो हिंदुस्तान के आर्मी के चीफ पर कांग्रेस को विश्वास नहीं है, वहां एविडेंस चाहिए, मगर पाकिस्तान का आर्मी का चीफ कान में कुछ कह देता है तो वाह वाह कितनी सच्चाई है, ठोको ताली क्या कमाल और मजाक बना कर रखा हुआ है देश का। जाके आप पाकिस्तान में हमारी बातें शेयर करेंगे? चरण सिंह सापरा जी, अंजना जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये बोलते समय ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये जब गोद में बैठने की बात करते हैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर के गए थे तभी तो हमारे कर्नल संतोष महाड़िक की चिता भी ठंडी नहीं हुई थी। 19 नवंबर को कर्नल महाड़िक शहीद हुए और 25 दिसंबर को हमारे प्रधानमंत्री जाके नवाज शरीफ की गोद में बैठ गए, उनसे गले मिलते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आप ये भी याद रखिए कि अडवाणी जी गए थे और जिन्ना की मजार पर जाकर के माथा टेका और जिन्ना को सेक्युलर कहा, उसी तरह से आपकी मेंबर पार्लियामेंट सावित्री देवी वो जिन्ना को माफ कर दी, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आदरणीय बिहारी वाजपेयी साहब समझौता बस लेकर के जाते हैं और आप उसको कूटनीति करते हैं, यानी जो काम भारतीय जनता पार्टी करे तो वो चमत्कार और दूसरी कोई पार्टी करे तो वो गुनहगार, ये उचित नहीं है। ये दुनिया देख रही है आपका दोगलापन जो है ना, खुद बोला है गलत है। साथ जो नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, अमरिंदर ने बोला है बिल्कुल गलत है, नूरा कुश्ती 4.5 साल से खेल रहे हैं, ये नूरा कुश्ती बंद करिए, अलग गेम खेल रहे हैं ना सर। उन्होंने इजाजत दी, पहले मंत्री हैं उस सरकार में नवजोत सिंह सिद्धू, इजाजत दी और फिर गले लगने पर सिर्फ अफसोस जता दिया कि ये ठीक नहीं है। तो हर कोई में अगर उनका दोस्ती है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इजाजत दी, प्राइवेट विजिट के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इजाजत क्यों नहीं दी? जा रहा है खाने पीने के लिए, जा रहा है थोड़ा पुराने यादें ताजे करने के लिए जा रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन उसको बोलने की क्या जरूरत थी, उसको जफियां डालने की? आपने क्या संकेत दिए पाकिस्तान को कि हमारे और पाकिस्तान के संबंध बड़े वार्म हैं, कि हमें जफियां डालने की जरूरत पड़ती है? ऐसा तो नहीं है, लोग तो मर रहे हैं वहां पे, रोज मर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कैसे
टेररिज्म को खत्म किया जाए और वैली में अमन लाया जाए। उसने तो कश्मीर उठा दिया। हाँ, उसकी जगह कश्मीर उठा दिया। पहला ट्वीट लिखा हिंदुस्तान के लिए जिसमें सिद्धू का जिक्र किया इस शपथ ग्रहण के बाद, और उसमें सीधे कश्मीर का नाम दे दिया है। एक ही ट्वीट में दो लाइनें, जिसमें पहली लाइन है कि आप शांति दूत बनकर आए, आप शांति दूत बनकर आए। ठीक है, 10 सेकंड बोलिए, उसके बाद शबनम लोनजी आ रही हूँ, और उसके बाद नीचे कश्मीर का जिक्र कर दिया। देखिए अंजना जी, सिद्धू कहते हैं कि मैं बतौर क्रिकेटर गया था, मगर वहां से लौटने के बाद ये तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनका, और तीनों बार बतौर राजनेता उन्होंने बयान दिया। कल उन्होंने क्या कहा, आज तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कल उन्होंने कहा कि दो दिनों में पाकिस्तान ने जो मुझे दिया है हिंदुस्तान ने पूरी उम्र मुझे नहीं दिया है। आप बता दीजिए कि पूरी उम्र ऐसा हिंदुस्तान ने क्या नहीं दिया सिद्धू को जो कि पाकिस्तान ने दो दिन में दे दिया। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मुझे पूरा कायनात दे दिया है। कायनात माने यूनिवर्स, मतलब पाकिस्तान, ये कांग्रेस के लीडरों को पाकिस्तान क्या दे देती है जो ये इतने गदगद हो जाते हैं। और तीसरी बात, मसूद खान के साथ बैठेंगे, अरे मसूद खान पीछे बैठे थे, स्वर्गीय वाजपेयी जी ने क्या क्या कहा है पाकिस्तान के लिए, और उस वक्त की पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उसके बारे में क्या क्या कहा था, समय पे बात करेंगे। ये जरा पढ़ के आइए, आपको पता चल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा यहां पे। मैं आपको नसीहत दे रहा हूं कि थोड़ा पढ़ के आइए, मैं कंप्लीट कर लूं, जल्दी कंप्लीट कीजिए साहब, 10 सेकंड मांगा था, मैं इंपॉर्टेंट भी बता देता हूं, 10 सेकंड मांगा था। मैं यहां पे एक्सपर्ट्स बैठ, यहां एक्सपर्ट्स बैठे, एक बड़ी बात मैं बताने वाला हूं। आप देखिए क्या ये हकीकत नहीं है कि पिछले हफ्ते खालिस्तान के मूवमेंट जो लंदन में हुआ था उसका समर्थन पाकिस्तान ने किया। पंजाब जो कि बॉर्डरिंग स्टेट है, जानबूझ के खालिस्तान विषय को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान षड्यंत्र करना चाहता है, और वहां वो इस्तेमाल करना चाहता है सिद्धू का, और सिद्धू इस्तेमाल हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल हो रही है। तो मैं बोल रहा हूं क्या कांग्रेस पार्टी ने इंडिया में एक पाक डेस्क खोल रखा है? मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के हक में बोलेंगे, गुलाम नबी आजाद पाकिस्तान के हक में बोलेंगे, सलमान खुर्शीद पाकिस्तान के हक में बोलेंगे, सैफुद्दीन सोज पाकिस्तान के हक में बोलेंगे, आर यू दी एजेंट्स ऑफ पाकिस्तान? जल्दी से जवाब दीजिए इसका अंजना जी। अलग अलग मुंह, अलग अलग बोली, प्राइवेट ट्रिप है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, पार्टी की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, कैप्टन अमरिंदर जाने भी दे रहे हैं, फिर सवाल भी पूछ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा आपका। मिस्टर सापरा, अभी इमरान खान जी का व्हाट्सएप आएगा तभी बोलेंगे, इंतजार कर रहे हैं। आवाज आ रही है? आप ही से मेरा सवाल था, आप अपनी बात करें जल्दी से। हाँ अंजना जी, अंजना जी क्या क्या पूछा, बीच में कट हुआ, अब आई। हाँ ठीक है, अब मैंने ये पूछा कि आपका तो सर समझ ही नहीं आता। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू जा रहे थे तभी आपकी पार्टी से किसी ने नहीं रोका, मणिशंकर अय्यर बार बार कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए जब भारत सरकार की कुछ और नीति है, कुछ और पॉलिसी पर वो चल रहे हैं, हर कोई अलग अलग जुबान बोल रहा है, राहुल गांधी जी जाने भी देते हैं, पेपर से आज वो पढ़ रहे थे, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद उन्होंने सवालों का जवाब दिया, लेकिन शुरू में पेपर से पढ़ रहे थे। किसके डांट की वजह से, कैप्टन अमरिंदर का डांट की लिखी हुई बातें लिखी थी या राहुल गांधी की? क्या है आपकी पार्टी का स्टैंड सर? देखिए अंजना जी, कांग्रेस पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की पाकिस्तान के प्रति हमेशा फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी रही है। इन्होंने कभी बात की कि लहू और पानी एक साथ नहीं बहेगा, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी पे उसके बाद चर्चा नहीं की। इन्होंने इमरान खान के गोद में बैठ जाएंगे, इन्होंने बात की लेकिन उसने आपको डाउट था हमारे फॉरेन पॉलिसी पे, तो हमसे सवाल पूछ लेते ना, समय समय पर इमरान खान के साथ मिल जाएंगे, पाकिस्तान के गले लग जाएंगे, करते मसूद खान के साथ मिल जाएंगे, चंद्रशेखर पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करने का मोदी जी से और हमसे परेशानी है, तो क्या जाके ये जनरल बाजवा के साथ मिल जाएंगे? पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करने का बिल आप कब ला रहे हो? आपका अगर स्टैंड क्लियर है, अगर आपका सुन लेना, आप पार्लियामेंट में पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, कर लेंगे। प्लीज मेरे को मौका मिला है, प्लीज प्लीज चुप हो जाइए। मैं एक फौजी की तरह से बोलता हूँ और फौजी की जवान बताता हूँ। सुने, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको समझ में आ रही है जो बातें चल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए पाकिस्तान के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ द डे किसी की हो, मुझे ना पता है कि बीजेपी की है कि कांग्रेस की है। इसके पहले भी जो 30 सालों से जो हाइब्रिड वॉर चल रहा है, प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, उसके पहले में सबको भागीदारी मिली है, सबने यही गेम खेला है।
कल भी मैंने बताया था, एक सॉफ्ट सॉफ्ट अप्रोच है, एक सॉफ्ट हार्ड अप्रोच है। प्रेजेंट यही चल रहा है, सॉफ्ट एंड हार्ड अप्रोच। द प्रेजेंट गवर्नमेंट, मैं नहीं कहूंगा बीजेपी की है ये, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने एक वाजपेयी डॉक्ट्रिन के अंदर में कार्रवाई कर रही है। और ये कोई कहता है ना कि पठानकोट में क्यों बुला लिया, उसके पहले कभी नहीं उनका ये डॉक्ट्रिन में डायलॉग का ये हिस्सा नहीं था कि टेरर एंड टॉक विल नॉट गो, उरी के बाद बोला गया है ये। और उरी के बाद यदि ये करते हैं टॉक एंड टेरर, मैं सबसे पहले उसको कंडम करूंगा। मगर आप पीछे वाली बातें उठा करके जब आपको मौका मिला आपने क्या किया वो देखें। और ये डिबेट नहीं होने चाहिए नेशनल टीवी के ऊपर, आज की बात होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है, आज क्या है? एक सिद्धू जिसको मैं ये जानता हूं कि वो लाफ्टर चैनल में केवल ताली ठोक सकवा तक सकते हैं, जाकर के नमूना बनकर आए हैं आईएसआई के हाथों में और वहां के पाकिस्तानी आर्मी के अंदर कठपुतली की तरह वो बने हैं। उनको मूर्ख बनाया है, उनको यूज किया है अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट इंडिया। 130 करोड़ जनता जो आप अंजना जी बता रही हैं, देखिए ये ट्यूटिंग जो आप देखिए ना, ट्यूट कर गए। आप ये बताइए जो हमारे 80,000 लोग मर चुके हैं। आगे बढ़ने के लिए भारत और पाकिस्तान को कश्मीर समेत सारे विवाद सुलझाने होंगे। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हमने क्या किया, लहू बहा देंगे, गंगा में बह गई। अरे ये क्या बातें करते, आज की बातें करो। आज क्या है, आज मेरा सवाल ये है कि क्या सिद्धू ये सब करेंगे? जो भी हमारी समस्या है क्या सिद्धू करेंगे उसको, शांति दूत मनीष अंगार अय्यर करेंगे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेंगे बताइए। तो आप ये इसका जवाब देखिए, सापरा साहब इसका जवाब दीजिए। देखिए प्रधानमंत्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिप्लोमेटिक लेवल पर कुछ फैसला करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो ये देश की नीति होगी। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब मणिशंकर अय्यर जाके कश्मीर पे बात करेंगे या सिद्धू शांति दूत नवजोत सिंह शांति दूत? या तो सरकार ने उसको चार्ज दिया हो कि तुम जाके ये बढ़ाओ बात, तब भी बात है। कश्मीर कुछ भी नहीं उसको कहा गया, अपने आप चाचा चौधरी नहीं है ये। बिना मतलब के चाचा चौधरी बनने की क्या जरूरत है? ये बार 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 मैं भी कह रहा हूं। और तो फिर कंडम करें ना, केवल ये बताएं और सिद्धू जी ये बताएं कि सिद्धू यूज हो चुका है। फिर आप बात में आते हैं की बातें लाते हैं। अरे सुनिए अभी मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। आपने आपने आज की बात करें और कल की बात करें, पीछे बात छोड़िए। यहाँ पर जब टेरर चलता है पीछे की बात छोड़े, आज की बात करें। आप बैंकॉक में जाकर के क्या बात करता है आपको क्या इसमें? अरे स्टेट क्राइम है आप, जब इसमें कोई आपको मिसचीफ नहीं लगता क्या? आप पार्टी पॉलिटिक्स से बनाइए, आप बीजेपी आप कांग्रेस करते हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं? इसमें कोई मिसचीफ नहीं लगता। हम नॉट वन सेकंड हुए हैं, कितने और वर्ल्ड प्रेस बुलाई इमरान ने, और कितने वर्ल्ड प्रेस बुलाई है? तो फिर इंग्लैंड से बुलाया किसी को, ऑक्सफोर्ड में तो पूरी उम्र खेलते रहे, 280 से ऑस्ट्रेलिया से साउथ अफ्रीका से कोई नहीं है। एक क्रिकेटर है, एक सिद्धू जी का है कंसिस्टेंट पॉलिसी है, सिद्धू जी को पिछली आप भारतीय पिछली रो में रखा गया, वहां से उठा के आगे लाए, आगे लाके आप सवाल नहीं पूछते। कश्मीर के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ बैठाया, ये क्या है? कॉरिडोर बनाने की बात की, ये क्या है? आपको पता नहीं कनाडा में और इंग्लैंड में क्या हो रहा है? 22 तारीख को क्या हो रहा हुआ था इंग्लैंड में? सारे जो खालिस्तानी थे, विश्व भर से कोई क्रिकेटर नहीं पहुंचा है, कोई क्रिकेटर नहीं, ये सिर्फ पहुंचे हैं, वो भी पीछे वाली रो में थे। खालिस्तान को लेकर जिस तरह की सक्रियता फिर से दिख रही है, खालिस्तान को लेकर वो कोई मुद्दा है इनका? मैं एक बार आ रही हूं डॉक्टर पात्रा, एक बार मुझे शबनम लोन जी के पास आना चाहिए। शबनम जी थोड़ी देर से आपके पास आ रही हूं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए घाटी को लेकर नए सिरे से राग छेड़ दी है, शांति दूत भी बता रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू को, दूसरी तरफ अब आप बताइए कि किस मुंह से इस देश में कोई भी शांति की बात करेगा पाकिस्तान के साथ? यह है उनकी नियत और इसी का डर सबको था, जिसकी वजह से आज हर कोई शर्मसार है कि क्या जरूरत थी। विश्व भर से एक क्रिकेटर नहीं गया, कितनों के साथ खेला इमरान खान ने, एक क्रिकेटर नहीं गया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को जाना था, वहां पर अपमानित होकर आना था। जी
नहीं अंजना जी, इससे पहले कि मैं बोलूं, जनरल एस के सिन्हा, उनको अक्सर आदत है, मैं जो ही बोलना शुरू हो जाती हूं वो टोकना शुरू हो जाते हैं। और संबित जी, worry, इन दोनों की आवाज आप म्यूट कीजिएगा अगर ये मुझे डिस्टर्ब करें। टोकूंगा मैं। लेट्स कम, हम लोग के ऊपर सख्ती कर रही है देश के अगेंस्ट में। अच्छा वो बोले, वो बोले कि लिंचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है सिन्हा साहब, स्टॉप लिंचिंग। ले रही है, मैंने तो नहीं बताया लिंचिंग मत, लिंचिंग नहीं, लिंचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हमने ये तो इमरान खान से भी ज्यादा सख्ती कर रही है रे बाबा। करने की कोई जरूरत नहीं जी, बोलिए, ये डेमोक्रेसी है, मुझे हक है बोलने का। और मैम, मेरा नाम केके सिन्हा है। जनरल बाजवा जी बोलिए। अंजना जी, दो चीजें हैं, सही है, टेरर एंड टॉक्स डोंट गो together. बिल्कुल सही है, बट टेरर एंड ट्रेड डोंट गो टूगेदर। ये जो सारे कर्नल थापर साहब को छोड़ के ये सब लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सिद्धू वहां गले मिले जनरल बाजवा से, लेकिन हिंदुस्तान के अक्सर वो बेशतर वो बिजनेसमैन जो करोड़ों रुपया हर साल कमाते हैं, वो रोज गले मिलते हैं, उनके आर्मी के जनरलों से रोज मिलते हैं। तो जिनको प्राइड होता है, जिनको वाकई दिल में दर्द होता है, क्या वो व्यापार करते हैं उस मुल्क से? नहीं करते हैं अंजना जी। बाजवा के गले नहीं लगा लेते मैम जी, कह रहे हैं के गले नहीं लगा लेते। डेस्क है क्या? मैं ये सुनिए सुनिए, मैं सोचती, मैं बिल्कुल बाजवा से ही गले मिलते हैं वो लोग। आप उन आप उनकी तरफ आप गले मिलती होंगी, आप क्या करना चाहती हैं? ऐसा ऐसे मिले हुए एक एक करके वो बात नहीं कर ले। हाँ, लिंचिंग, अरे लिंचिंग, स्टॉप द लिंचिंग। मुझे बात तो पूरी करने दीजिए ना, आपको लिंचिंग करने की आदत हो गई है। व्यापारी मुझे बात करने, व्यापारी जो है तो वो बाजवा से कैसे गले मिलते हैं समझ नहीं आएगा। क्या ये लोग, क्योंकि बाजवा कंट्रोल करता ना सब कुछ वहां पे। मैं आपको बताऊंगी, देखिए हमेशा जितने भी तजियाकार आते हैं वो हमेशा कहते हैं, सुनिए बोलिए ना इनको। और तो इनकी जितनी देर तक यहाँ पर एम्बेसी है, हाँ। पाकिस्तान की एम्बेसी है और नहीं, सबनम जी ये मोस्ट फेवर्ड नेशन की हटाए नहीं हटाए ये तो हम डिबेट कर रहे हैं। इसका मतलब है जाके आप बाजवा जी से कंप्लेन करेंगी? अरे छोड़िए छोड़िए, नहीं नहीं मैं बताता, उत्तर देता, नहीं नहीं छोड़िए छोड़िए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया इंसान है बाजवा आपके लिए, मुझे मैं आप बिल्कुल बाजवा जी आपके लिए बड़े अच्छे इंसान है, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। नहीं बहुत बढ़िया, मैं कहाँ कंप्लेन कर रहा हूँ, अंजना जी इनको बोल दीजिए, मैं इनको बोल दीजिए कि ये बाजवा जी को इतना ये बोल रही है कि अच्छे हैं, तो भैया ये मैं इन पे कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। जैसे तुम आप बोलिए बाजवा जी को, अच्छा अच्छा बोलिए, मुझे कोई इशू नहीं, मुझे बोलने दीजिए। देखो जैसे तुम लिंचर्स को सपोर्ट करते हो, टीवी पर इतना बहुमूल्य समय हम आप लोगों को देते हैं, उसका मुझे विषय पे आने दीजिए। अंजना जी आप मुझे विषय पे आने दीजिए। तो मुझे विषय पे अंजना जी, मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, आप याद करिए अंजना जी, जब जब चाइना का विषय हुआ था, डोकलाम का विषय चल रहा था, तो रात के अंधेरे में जाके चाइनीज ऑनवॉय से मिल रहे थे, वो बाद में पकड़ में आ गए और मीडिया के कारण से पूरा विषय देश के सामने आया। यहाँ भी पाकिस्तान के विषय में आपको कोई भी इश्यू है, आप जाके जनरल बाजवा से गले मिलेंगे, मसूद खान से मिलेंगे। और एक बहुत बड़ी बात आप यहाँ भूल रही है, आज इमरान खान के आने ट्वीट से पहले नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कहा, इंडिया का दिल छोटा है, भारत का दिल छोटा है। मैं इस बात का बिल्कुल ऑब्जेक्शन करता हूँ, मैं मानता हूँ कि इंडिया से बड़ा दिल किसी का नहीं है। नहीं, आप लोगों ने हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि इंडिया की कि इंडिया का दिल छोटा है? अरे ये शबनम मेहर जी के बोलिए, गद्दारों की तरह नहीं चिल्लाएंगे। अरे इंडिया प्लीज, आज आज नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इंडिया का दिल छोटा है, बड़ी ऑब्जेक्शन है। सिद्धू ने वहां जाके बोला कि मैं जट हूँ और ये जट है, तो हम जट जट मिलेंगे। इसको बताना चाहिए सिद्धू को कि यही जटों ने हजारों जट हमारे मारे हैं लड़ाई के अंदर, कारगिल के अंदर और सब जगह के। और दूसरी बात यह है कि ये जो मेरे को लग रहा है कि इसमें कोई गहरी चाल है
क्योंकि सिद्धू का वहां जाना और दूसरे किसी क्रिकेटर का नहीं आना एक बड़ी संकेत देता है। पिछली लाइन में बिठाया था सिद्धू को, उसको उठा के आगे लाए और आगे लाके फिर कश्मीर के जो गवर्नर आपको मालूम है मैं आपको कितना रिगार्ड करती हूँ सर, लेकिन एक बात है सर, अगर यही बात है तो मैं मानूंगी, रिगार्ड करिए आप थोड़ा सा, मानूंगी शबनम लोन फिर पाकिस्तान से कह दे, अच्छी बात है आर्मी का रिगार्ड करती है, थोड़ा इंडिया का भी रिगार्ड करिए, वरना हम जंग करेंगे, ये बातें सर नहीं होती है, क्या पीछे हट जाओ वरना ये डराना धमकाना बंद कर दीजिए शबनम लोन, टीवी पे डराना धमकाना बंद कर दीजिए कि आप लोग जंग कर देंगी और हमें, अरे पाकिस्तान जंग करेगा तो हम उसको मुंह की चखा देंगे, आप ये डराना बंद कर दीजिए, आप ये धमकाना बंद कर दीजिए, वही लोगों के साथ जिनके साथ हम झपिया पुपिया डालने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ये कनक था ये, मतलब मुझे आश्चर्य होता है, डोंट गेट स्किजोइड, मैं कह रही हूँ कि जाएं उन पे फिर मैडम इस देश का खाती है, थोड़ा सा लिहाज करिए इस देश का मैडम, अंजना दिस इज छोटा दिल है इंडिया का, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा इंडिया का दिल छोटा है, छोटा दिल है, मैं पूछता हूँ यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, इंडिया का दिल छोटा है, अरे सबसे छोटा दिल और खौफनाक दिल किसी का है तो वो पाकिस्तान का है, हु इज नवजोत सिंह सिद्धू, वो कौन होता है कहने वाला कि इंडिया का दिल छोटा है, अरे आतंकी देश है पाकिस्तान और वो कहता है कि इंडिया का दिल छोटा है, और वो कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान से तीन जंग लड़ चुका हूं, आई एम एन इंडियन, तीन जंग लड़ इंडियन उसी पाकिस्तान के खिलाफ जिसके लिए दोस्ती की बातें सिद्धू कर रहे हैं, जिसके लिए कहते हैं बातचीत का रास्ता निकलना चाहिए। वेद प्रताप वैदिक जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं सवाल लेकर, आइए आपको भी, देश को भी और तमाम पार्टियों के नेताओं को जरा सुना देते हैं, शहीदों के परिवार वाले भी हैं, इनकी सिसकियां इनके कानों तक क्यों नहीं पहुंचती है जरा सुनिए। तो एक साइड में हमारे देश में हमारे बच्चों के खून की नदियां बह रही हैं, दूसरी साइड से वो गले लगना, एक बेटा नहीं हिंदुस्तान के कई बेटे यहां शहीद हो गए, ये मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा को खून खराबा हमारे देश के अंदर हो। जाने से हम नहीं कहते क्यों गए हैं सिद्धू साहब, जाइए हजार बार जाइए, पर अपने थोड़ा देश का भी ध्यान रखिए, शहीदों का भी ध्यान रखिए कि हम कर जो कुछ करने जा रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, हम प्यार पाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, उनके साथ पहले भी देख लिया है कितने प्यार डाले हैं, आवाज नहीं आती। मुझे तो ऐसा महसूस हुआ जब हमारे भाई का जिसने शीश काटा था वो दर्द मुझे फिर दोबारा नए सिर से हुआ, वो ही दर्द हमारे सीने में, आप जब सुबह के मुख्यमंत्री खुद निंदा कर रहे हैं तो एक्शन भी लें। थापर आप, मैं ये देख रहा था सिद्धू जी को बताना चाहिए कि ये सब जट सिख हैं जिनके बच्चे शहीद हुए और मरे हैं और कईयों को तो वैसे ही काट दिया गया है, वो उस वक्त उनको ख्याल नहीं आया, एक चीफ जो कहीं से होगा पुराना जाट शाट तो उसके साथ बड़ा गले मिलके नजदीकियां दिखा रहे हैं, नजदीकियां तो तब होंगी, इमोशनल कॉलिंग कह रहे हैं, जब नजदीकियां तब होंगी जब आतंकवाद खत्म होगा वैली में। वेद प्रताप वैदिक जी शहीदों के घर वालों की हमने बातचीत सुनाई है, अक्सर इनकी सिसकियां वो लोग भूल जाते हैं जो ये समझते हैं कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाकर एक नई इबारत लिख देंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की रीत के रिश्ते में, जबकि वो जानते हैं पाकिस्तान की फितरत क्या है। और सीधा सवाल आपके सामने दाग रही हूं, कहते हैं शहीद के परिवार वाले कि इनके प्यार की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि उनके अपने घर वाले सुरक्षा करते हुए हमारी मर जाते हैं, जरूरत है इस प्यार की जो सिद्धू दिखाने गए थे जी? ये नहीं, शहीदों के परिवार के लोग जो कुछ कह रहे हैं मैं उनसे हर तरह से सहमत हूँ, उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, और भाजपा के प्रवक्ताओं ने जो कहा वो भी कुछ हद तक काफ़ी ठीक है, ये जो गले मिलने या गले पड़ने की परंपरा है ये अच्छी नहीं है, भाजपा के उच्चतम नेता आजकल यही कर रहे हैं,
कोई भी विदेशी मेहमान होता है उसके गले पड़ने लगते हैं। तो ये जो नवजोत सिद्धू हैं, ये 12 साल तक भाजपा के सांसद रहे हैं, इन्होंने अपने नेताओं से ही सीखा है गले पड़ना। अरे पाकिस्तान में दर्जनों बार गया हूँ, वहाँ के राष्ट्रपतियों प्रधानमंत्रियों से बराबर मेरी मुलाकात हुई है, और कई तो मेरे कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि वैदिक जी हमारे मित्र हैं, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि आज तक मैं किसी के गले पड़ा हूँ, सबसे हाथ मिलाता हूँ। और सेनापति से जब आप मिल रहे हैं तो सेनापति के साथ, तो उसको सेनापति अगर आपको सलाम करे तो आप सलाम का जवाब दे दीजिए, चिपकने की ज़रूरत क्या है, उसका एक संदेश जाता है देश में और लोगों को बुरा लगता है। दूसरी बात मुझे आपसे कहना है, टीवी चैनल वालों से कहना है, अपने अखबार के मित्रों से कहना है कि भाई नवजोत सिद्धू क्या चीज़ है, उनको आपने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। अरे अभी बहस चलनी चाहिए इस बात पर कि इमरान खान की नई सरकार आई है, इमरान खान कैसे आदमी हैं, उनको हम कैसे हैंडल करें, इमरान खान और फौज के रिश्ते कैसे रहेंगे, इमरान खान क्या सफल होंगे या वो दूसरे प्रधानमंत्रियों की तरह कठपुतली साबित होंगे। मुझे भी आपसे कुछ कहना है सर जी जी, और वो ये है कि एक वक्त पर आप भी हाफिज सईद से मिलने पहुंच गए थे, चाय पीने के लिए हाफिज सईद के पास, वो तब भी मुद्दा बना था और उसका मुद्दा बनना जरूरी था। आज भी जब नवजोत सिंह सिद्धू कोई छोटा आदमी नहीं है, वो भारत के लिए क्रिकेट खेल चुका हुआ शख्स है जो आज मंत्री है, मंत्री है वो। और अगर वो मंत्री है पंजाब सरकार में तो फिर उनकी जवाबदेही तो बनेगी। आपको लग रहा होगा कि हम बात का पतंगड़ बना रहे हैं, लेकिन हम बड़े वाजिब सवाल पूछ रहे हैं सर, क्योंकि मेरे हाथ में वो ट्वीट है, इस ट्वीट को सुनिए। और इसी ट्वीट के जरिए ये कह रहे हैं इमरान खान पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री की शांति दूत बनकर आए हैं नवजोत सिंह सिद्धू, कश्मीर पर बात होनी चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इतना लूज बॉल कि छक्का मार दिया इमरान खान ने, देश को नीचा दिखाने का मौका मिल गया नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से। कैसे ये मुद्दा नहीं है, मैं भी बोलना चाहता हूं कुछ इसके ऊपर में, कैसे ये मुद्दा नहीं है कि अब मैं कहूं, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत अनुभवी हैं, मगर आपने तो एक बात करके कह दिया कि हाँ उनकी भी बात मानते हैं, शहीदों के जो बेवा हैं उनके बच्चे हैं, आपने ये कहा कि उनकी बात सही हो, आप उनसे जाके पूछिए, आज उनसे पूछिए, देश के 130 करोड़ जनता से पूछिए, क्या सिद्धू का जाना और गले लगना, और आप कहते हैं कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट यदि किसी के गले लगता है, आप जो उसकी तुलना करते हैं, ये इतनी बड़ी इसमें भूल है। ठीक है, एक दुश्मन के लीडर जो कि वहां पर परपेचुएट कर रहा है, उसके गले लगना, सिद्धू नकल करता है, सिद्धू नकल करता है, सिद्धू नकल करता है, आप सिद्धू को हीरो बना रहे हैं, सिद्धू हीरो नहीं बना रहे, उसको जीरो बना रही है, अंजना जी ने जीरो बनाया है, उसको जीरो बनाना है, अंजना पाकिस्तान उनको हीरो बना रहा है, हम नहीं बना रहे, और हमने बना रहे, करेक्ट बात चल रही है, उसको जीरो बनाना है, हीरो मत बनाइए, नहीं तो ये जो आपकी डिप्लोमेसी है ना, वो इंडिया को पाकिस्तान से कभी नहीं करने देंगे कार्रवाई। मिस्टर पात्रा जवाब दीजिए, हम मिस्टर क्रिकेट डिप्लोमेसी नहीं हो सकती, हमें हिंदुस्तान के हितों की रक्षा करना है। देखिए मुझे लगता है कुछ विषय डिबेटेबल ही नहीं होते, जब हमारे यहाँ किसी दूसरे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, क्या हमारे प्रधानमंत्री को उनको गले लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसका उत्तर मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इतने बुद्धिमान पैनलिस्ट बैठे हुए हैं और देश की जनता इतनी समझदार है कि वो उसका उत्तर जानते हैं कि जब कोई राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो प्रधानमंत्री को कैसे रिसीव करना चाहिए। मगर इसको इक्विवेलेंट दिखाया जा रहा है पाकिस्तान में जाके जनरल बाजवा, जो कि रेस्पॉन्सिबल है टेररिस्ट एक्ट के लिए इंडिया में, उसके साथ गले लगाने के साथ, क्या हम इसको एक इक्विवेलेंस ड्रॉ कर सकते हैं, समानता में लाके खड़ा कर सकते हैं? नहीं, नहीं, जनता के विवेक पे छोड़िए, दो मिनट में जनता, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, दूसरी बात है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जस्ट बिल्कुल नहीं सर, मैं कंप्लीट कर दूं सर, हम लोग सब एक एक करके मैं कंप्लीट कर लूं सर, उसके बाद सब लोग बोलिएगा। मैं वैदिक जी से बात कर रहा हूँ, बड़े सम्मान से बात कर रहा हूँ, मैं वैदिक जी से बात कर रहा हूँ, बड़े सम्मान से बात कर रहा हूँ, मैं वैदिक जी से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर पात्रा जल्दी संक्षेप में अपनी बात कर रहे हैं, सीधा चिल्ला रहे हो तो कितने शांत, ठीक है वैदिक जी से बात कर ले, फिर आ रही हूं मिस्टर साबरा, झूठ बोल रहे हैं साबरा जी,
सर आ रही हूँ आपके पास, प्लीज सर। देखिए देखिए वैदिक साहब से बात कर रहा हूँ, उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए। देखिए देखिए वैदिक साहब, आप एक मूर्धन्य पत्रकार हैं, हाँ हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जरूर हो सकते हैं, इसलिए मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, उत्तर दीजिए। आप बताइए क्या बहुत चालाकी के साथ पाकिस्तान के सरकार ने सिद्धू के माध्यम से इंडिया को नीचे दिखाने का कोशिश नहीं किया है? आज जो देखिए आप कह रहे थे सिद्धू क्या चीज है, सिद्धू कोई चीज नहीं हो सकता है, मगर इमरान खान ने ट्वीट कर दिया, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने उनको मोहरा बना लिया, और पूरा विश्व जो कि अभी पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर नजर गड़ा के बैठा होगा वो देख रहा होगा, देखो इंडिया के खुद मंत्री कह रहे हैं कि इंडिया का हार्ट छोटा है। आप जानते हैं सिद्धू ने क्या कहा? सिद्धू ने कहा इंडिया का जो दिल है वो बड़ा छोटा है, उसको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात करनी चाहिए। बताइए इतने बड़े दिल वाले भारत को छोटा दिल बताते हैं? दिल ठीक है, ठीक साइज का है, उनका मुंह बहुत बड़ा है, बेतुकी बातें करते हैं, जगह बड़बोले हैं, बड़बोले हर जगह पे, वो भारत की झूठी पार्टी झूठ बोले रही है, हम कभी अलाउ नहीं करेंगे। चाहता हूं कभी भी सिद्धू जी ने ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं, हम गले मिले जरूर मिले, लेकिन पहले अपने मुद्दे जो हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं उनको खत्म तो कर ले, उसके बाद चरण सिंह सापरा जी सफाई दीजिए। चरण सिंह सापरा जी, अब क्या होगा सफाई देके, चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या होगा? देखिए देखिए अंजना जी, सवाल 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 सवाल, अरे चिड़िया चुग गई, चिड़िया आपके खेत चुग गई है, आप पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हो, भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है कि हर बार आप पाकिस्तान की गोदी में बैठने की कोशिश करते हो। छोड़ दीजिए ये सब बातें, आपके पास कोई पाकिस्तान के प्रति पॉलिसी नहीं है, कोई गोदी में हम कैसे बैठ जाएंगे जाके, आपके पास कोई नीति नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री नहीं है तो आप जाके कंप्लेन कर दीजिए बाजवाजी को, जाके बैठ जाएं। डॉक्टर पात्रा आप भी साबरा जी नहीं है, जाके बैंकॉक में, डॉक्टर पात्रा अजीत डोवल बैंकॉक में जाके गोदी में बैठते हैं, कुलभूषण जाधव की बैंकॉक तो हम लोग नहीं गए थे, बैंकॉक के राहुल गांधी गए थे, कितनी झूठी बात, भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी और अंजना जी झूठी बात, अजीत डोवल बैंकॉक हम लोग नहीं गए, वहां पर जाकर के बैठे थे बैंकॉक तो, अरे कितनी झूठी बात, संबित पात्रा जी, हमारा नाम संबित पात्रा जी, आप संबित पात्रा जी, आप अरे आप झूठी, भारत की झूठी पार्टी झूठ बोल बोल करके आप यहां तक आ गए हैं, थोड़ी शांति रखिए, आप ये बताइए कि हम आपकी नीति क्या है पाकिस्तान के प्रति, ये बताइए, कंप्लेन कर दीजिएगा सर, हम झूठ बोलते हैं, मेरा भी कंप्लेन आज कर दीजिएगा, इसके ऊपर जवाब दीजिए, मुझे भी मत छोड़िए, हमारे 390 जवान आप ये बताइए, 200 जनरल बाजवा को कंप्लेन करिए, देखते हैं क्या होता है, देखते आप कंप्लेन करिए, मेरा तो पैदाइशी जनरल बाजवा को कंप्लेन करिए, मसूद खान को कंप्लेन करिए, जनरल बाजवा देश की जनता, ये देश की जनता आपका फैसला करेगी, शबनम रोजी देश की जनता फैसला करेगी, आप इधर उधर घूम करके आ जाइए, आप देश की जनता फैसला करेगी, अंजना जी ये पाकिस्तान पार्टियों को नहीं आना, शबनम लोनजी एक सेकंड सर, शबनम लोन, अब अंजना जी देखिए मुझे बेहद अफसोस हो रहा है, मुझे बेहद अफसोस हो रहा है जब मैं ये क्रॉस टॉक सुन रही हूँ, मैं उस वादी से आती हूँ जहाँ पर खून ही खून, सरापा खून है, कश्मीरी ही नहीं, रोज यहाँ पर आर्मी के लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस भी सब मारे जा रहे हैं, ये देखिए इस तरह, अगर एक बात है, अगर ये सही है, मैं संबित को सपोर्ट करूंगी, अगर संबित सुनिए, अगर संबित ये सुनिए, अगर संबित ये सही कह रहे हैं कि जनरल बाजवा जो है वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी टेरर एक्ट, आप फिर मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के तई हिंदुस्तान का रवैया फिर इतना नरम क्यों है, अगर आपका डिप्लोमा, अगर आपका हाई कमीशन यहां भी है और वहां भी है, तो मुझे ये बताइए क्या ये फ्रॉडुलेंट आर्ग्यूमेंट नहीं है, इट इज अ फ्रॉडुलेंट आर्ग्यूमेंट, नहीं सख्ती में क्या करना चाहिए, करें फिर आप पूछ रहे हैं, या तो अमन सवाल ये है क्या सिद्धू इसको सॉल्व करेंगे, सिद्धू इसको सॉल्व करेंगे या हमारा पूरे महकमा सॉल्व कर देंगे, देखिए वैलिड क्वेश्चन, देखिए नहीं सर, देखिए आज की जो आप नहीं सर, प्लीज सुन लीजिए मैम, फिर वो क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, आप सुन लें, एक मेरी बात सुन लें, पॉलिटिकल बना लिया, क्या क्या एक्शन है, क्या एक्शन है, टफ एक्शंस क्या है, ऑल आउट ऑपरेशन टफ एक्शंस है, सुनिए आपको पता है, प्लीज सुन लें,
आज के दिन में आज ये आज टुडे मैं आज की बात कर रहा हूँ अक्रॉस एलओसी 11 लॉन्च पैड पे 600 आतंकवादी वेट कर रहे हैं लास्ट दो महीने से और मैं एक भी फतंगा इस साइड नहीं आ पाया है व्हाट द फैक्शन है मैं तो ये कहता हूँ जो आप कहती हैं कि हमें लॉन्च पैड को भी बर्बाद करना चाहिए यस मैं मानता हूँ उसको वो आने वाले सरकार क्यों है गवर्नमेंट ऑफ द डे उनकी डिसीजन है दो ही चीजें या जंग करें नहीं तो पीस अरे आप क्या बातें करते हैं जंग करें या ना करें आप प्लीज समझें वो भी कैसे वक्त पर जब दोनों ही देश है वो जंग ही है ऑल आउट ऑपरेशन जंग ही है एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं यहीं से चर्चा आगे लिए चलेंगे यहीं से चर्चा आगे लिए चलेंगे फौरन लौट रहे हैं देखते रहिए आज तक कर्नल थापर आपसे शुरुआत करते हुए मुझे लगता है कि दो सबसे बड़े जो सवाल अब रह गए हैं इस पूरे मुद्दे पर वो क्या होगा जो आप पूछेंगे सापरा साहब से या वैदिक साहब से नहीं मैं इनसे कुछ नहीं पूछूंगा क्योंकि मेरे को मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि जो सरकारी काम है जो भारत सरकार का काम है उसके अंदर हस्तक्षेप करना किसी का भी अधिकार नहीं है ठीक है चाहे मैं हूँ चाहे एक्स वाई जेड कोई भी मतलब वो किस अंजना स्टेटस से वो किस स्टेटस से इसमें इंटरफेयर किए ठीक है किस स्टेटस वेद प्रताप वैदिक जी जवाब दीजिए क्या उनको किसी ने ये अधिकार दिए थे कि आप जाके यहाँ भारत का पक्ष इस तरह से रखो वैदिक जी जी किस क्या प्रश्न है आपका प्रश्न ये है सर कि आपने भी एक वक्त पर हाफिज सईद से मुलाकात की थी तब भी ये सवाल उठा था कि किस हैसियत से यही सवाल इनका है कि आज जब नवजोत सिंह सिद्धू गए और वहां बाजवा से गले लगे तो किस हैसियत से क्या भारत सरकार की नीतियों के बीच में पॉलिसी के बीच में ऐसे निजी जो कोशिशें होती हैं दोस्ती की और मैं तो पलट दूंगा रिश्ते को की कोशिशें जो होती है उसकी कोई जरूरत नहीं है ये एक ऐसे व्यक्ति का कहना है जो इस देश की तरफ से तीन जंगों में पाकिस्तान के साथ लड़ चुका है नहीं उनका ये सवाल पूछना तो बिल्कुल वाजिब है क्योंकि इनकी कुर्बानियां इनका त्याग हम लोगों के लिए बहुत ही आदर्श और प्रशंसनीय है लेकिन जब मुझसे ये सवाल पूछते हैं तो मेरा जवाब यह है कि मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकार होने के नाते दुनिया के हर आदमी से गुनाहगार से भी और जो बहुत ईमान वाला है उससे भी वेश्या से भी और सती से साधु से भी और शैतान से भी सबसे मुझे बात करने का अधिकार आर्ग्यूमेंट आपको समझ में आ नहीं सकता हूँ और इसमें नहीं वो अलग बात है आपको पत्रकार और खिलाड़ी में फर्क नहीं कलाकार कोई बोलेगा मैं ये हूँ मैं वो हूँ उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए भारत का नाम है ना एक एक दुश्मन देश है तो मैं क्या क्रिकेट खेलने गया था वहाँ वहाँ क्या मैं बंदूक चलाने यानी मैं इनकी तरह सिपाही हूँ कोई बंदूक चलाऊंगा वहाँ जाके तो गले पत्रकार हूँ कलम चलाऊंगा भगवान भगवान के लोग मर रहे हैं चलाऊंगा सवाल करूंगा बात करूंगा आपके आर्गुमेंट क्या है आप सुनिए आप बात सुनिए देश के लोग मर रहे हैं आप देश के लोगों की बात करिए मैं 5 सेकंड क्या चाहूंगा राहुल गांधी आप जैसे लोगों को सवाल का है आप जैसे लोगों को दुखी बनाने के लिए आप कैसे हो सकता है जब देश में सरहद पे लोग मर रहे हैं ये किसी भी देश के अंदर में वर्ल्ड में कहीं नहीं होता राहुल गांधी से होना चाहिए वैदिक जी को पूछ के क्या होगा ऐसे दलीलें दी जाती हैं आपके तरफ से कि मैं पत्रकार हूं ये क्रिकेटर है ये ड्रामाबाज है ये फिल्म का आदमी है ये क्या क्या बातें करते हैं ये बिजनेसमैन है नहीं तो देश ताला है नहीं तो क्या मैं हाफिज हाफिज आपका हाफिज सईद से मिलना नहीं सही सही था अंजना जी को आपकी जगह उठाने के लिए गया था हाफिज सईद को हाफिज सईद को एक लाइन हाफिज सईद को भारत में देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि जो सिद्धू ने किया वो गलत है मगर राहुल गांधी सिद्धू का सपोर्ट करते हैं मुझे जवाब राहुल गांधी से चाहिए सिद्धू तो केवल मोहरा है असली खिलाड़ी तो राहुल गांधी है जल्दी से मुझे देखिए पहले भारतीय जनता पार्टी ये भी जवाब दे दे कि प्रकाश जावड़ेकर और वीके सिंह पाकिस्तान के स्वतंत्र दिन ये बताने के लिए क्यों जाते हैं ये फुटबॉल चलता रहेगा शबनम लो वक्त की कमी है ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं फौरन लौटते हैं देखते रहिए आज तक लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें